हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही सुबह के 8 बजे से, और मैं आ रखी हूँ छत पे। आज अच्छी सी धूप निकल रखी है ना, तो कल के कपड़े सूखे नहीं थे तो उनको मैं डालने आई हूँ अपनी छत पे। गाइस, मैं जैसा कि आपको पता है, मैं कपड़े डाल के आ गई थी नीचे, मैंने चाय बना ली, मैं चाय पी रही हूँ, तो फिर मुझे नहाना भी है। और हम आ चुके हैं नहा धो के बाहर, अब करेंगे हम पूजा, तो आपको मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। मैंने पूजा कर ली है, अब मैं बाकी किचन में काम करती हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने पूजा कर ली है, देख लीजिए मैं पूजा करके बिक्री हूँ। तो गाइज, मैंने जैसे कि बोला था आपको, मैं पूजा करके आ गई हूँ किचन में। अब मैं किचन में मैंने चाय बनाने के लिए रख दी, सब्जी मैंने बना दी और आटा मैंने गूंथ लिया। तो मैं जल्दी जल्दी नाश्ता बना लेती हूँ और फिर मेरे हस्बैंड को जाना है ड्यूटी, तो आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि लेट हो रहा है। ये देखो मेरे बिंदी के पीछे पड़ गया है, इसको निकाल के मारेगा, निकल कर रहे हैं इससे। अरे पुछी का दी मारी, पुछी का दी पुछी, गुस्सा आ गया, इसको गुस्सा आ गया, इसने आँख नोच रहा और बाल खींच रहा, गुस्सा आ गया। तो गाइज, हम आ गए फिर से छत पे, धूप हो रही है तो हमने सोचा क्यों ना हम थोड़ा सा धूप सेक लें, धूप में तो आंख भी नहीं खुलती। तो गाइज, जैसा कि मैंने बताया था, हम धूप सेक के तो नीचे आ गए थे। मेरा बच्चा, मैंने उसको सुला दिया है, तो मैं सोच रही हूँ अपना काम फिनिश कर दूँ, है ना। तो अब मैं पहले बर्तन धोऊँगी, फिर जाके मैं कपड़े धोऊँगी, फिर मैं लंच बनाऊँगी, तब मिलूँगी आपको थोड़ी देर में। तो गाइज, मैं बर्तन धो के फ्री हुई थी, तब तक मेरा बच्चा उठ गया सो के, तो अभी मैं उसी के साथ बैठी हुई। मैंने सारा काम फिनिश कर दिया है, अपना कमरा भी सेट कर लिया है मैंने, जो काम फैला पड़ा हुआ था समेट के। फ्री हो चुकी हूँ मैं, तो अब मुझे लंच की तैयारी करनी है। मैंने अपना लंच बनाने के लिए रखा हुआ है, मैं सोच रही फटाफट से वो बन जाता मैं खा लेती। फिर मैंने सब्जी बनाने रखी हुई, एक में मैंने चावल चढ़ा रखे है, तो मैं जल्दी से बन के। गाइस, मेरा हो गया लंच रेडी और मैं मिलती हूँ आपको लंच करने के बाद। तो गाइस, हमने लंच कर लिया है, अब बारी है कपड़ों की तई मारने। ये देख सकते हैं मैंने कपड़ों की तई मार दी और मेरा छोटा सा बच्चा लग गया परेशान करने। तो गाइज, मुझे इसके कपड़े चेंज करने पड़े, मैंने कर लिए अपने बच्चे के कपड़े चेंज, क्योंकि इसने पानी में भिगा दिया था, इसलिए मेरे को अचानक से ही चेंज करने पड़े। हाँ जा, किसको बुलाना, हाँ जा, कौन है वहाँ, पापा भी आने वाले। तो गाइज, हम जा रहे हैं दुकान में दूध लेने आज फिर से, और इसका मन भी कर रहा था घूमने का, तो मैंने सोचा यहीं चल लेते हैं। तो गाइज, हम आ गए दुकान पे और भैया मेरे हंस रहे। दे दो हमारा दूध, मेरा हाथ भी थक गया, फिर कितना रोज पूछते हो, 70 वाला है मामा। तो गाइस, भैया बोल रहे मुझे कि रोज वीडियो कॉल पे आते हो, डर लगता है कि मेरा, बोला डर नहीं लगता, मैं वीडियो बनाती हूँ। अच्छा, आप क्या सोच रहे थे? नहीं नहीं, मैं रोज ब्लॉग बनाती हूँ। तो हम निकल गए डेयरी से बाहर अपने घर की तरफ। तो जैसा कि आप सुन सकते हो, भैया ने कहा कि आप रोज वीडियो कॉल पे आते हो कि डर लगता है आपको। अब उनको क्या पता कि मैं वीडियो कॉल पे नहीं आती हूँ, मैं ब्लॉग बनाती हूँ, है ना। तो अब मैं मिलती हूँ आपको। तो हम आ गए अपने रूम पे और मुझे लग गई थकान, एक हाथ में दूध और फ़ोन था, एक हाथ में बच्चा था, मेरे हाथ भी थक गई, मैं भी थक गई। तो अब मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में आपको। और अब मैं किचन में आ गई हूँ, मैं एक हाथ से अपने बच्चे को पकड़ती हूँ, एक हाथ से वीडियो बनाती हूँ और काम भी करती हूँ। ये देखो कितना चिढ़ रहा, देखा। अच्छा रुक जा, अभी मैं चाय बनाती हूँ, चाय बना रही हूँ।
गाइस मेरी हो गई है चाय रेडी, मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं और अब हम चाय पीते हैं। तो गाइस आज की वीडियो यहीं पे समाप्त, अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।